एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह पैसे से तो बहुत धनी था, लेकिन शरीर और सेहत से बहुत ही गरीब। दरअसल वह हमेशा पैसे कमाने की सोचता रहता, दिन रात पैसे कमाने के लिए मेहनत करता, लेकिन अपने शरीर के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। फलस्वरूप अमीर होने के बावजूद उसे कई न कई प्रकार की बीमारियां ने घेर लिया और शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लेकिन वह इस सब पर ध्यान नहीं देता और हमेशा पैसे कमाने में लगा रहता। एक दिन वह थका हारा शाम को घर लौटा और जाकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। धर्मपत्नी जी ने खाना लगाया, लेकिन अत्यधिक थके होने के कारण उसने खाना खाने से मना कर दिया और भूखा ही सो गया। आधी रात को उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हुआ। वह कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। अचानक उसके सामने एक विचित्र सी आकृति आकर खड़ी हो गई और बोली, हे मानव, मैं तुम्हारी आत्मा हूं और आज मैं ये तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूं। वह व्यक्ति घबराया सा बोला, आप मेरा शरीर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैंने इतनी मेहनत से तो इतना पैसा और वैभव कमाया है, इतना आलीशान बंगला बनवाया है, यहां तुम्हें रहने में क्या दिक्कत है? आत्मा बोली, हे मानव सुनो, मेरा घर ये आलीशान बंगला नहीं, तुम्हारा शरीर है जो बहुत ही दुर्बल हो गया है, जिससे अनेकों बीमारियों ने घेर लिया है। सोचो, अगर तुम्हें बंगले की बजाय किसी टूटी झोपड़ी में रहना पड़े तो कितना दुख होगा। उसी प्रकार तुमने अपने शरीर यानी मेरे घर को टूटा फूटा और खंडर बना लिया, जिसमें मैं नहीं रह सकती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।